हाँ, क्या नाम है आपका? रामदयाल प्रजापति। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कहाँ बोले, मुरला गांव, बरकतवा पंचायत मुरला गांव। हाँ। और विकास खंड बैठपुर। सूचना कैसे मिली थी आपको? सूचना बताया गया था कर्मचारी के माध्यम से, बताया गया था गोष्ठी में लाके। किस लिए आए थे यहाँ, क्या था? आए थे बीज के लिए, सब हमको उत्पत्ति के लिए बताए सर जी यहाँ। हाँ। विज्ञानी बताए, उसके बाद कैसे कैसे करना है, इसकी जुताई बुआई कीटनाशक सब कैसे करना। आपको बीज भी मिला, वो एक किसका बीज मिला है, किसका किसका? आपको पौधों का, सावा का, नरुआ। हाँ। का। हाँ। बाजरे का सब बीज मिला है, और चल ले चल के इसको लगाएंगे। तो ये अभी तक आप क्या नहीं ले जा रहा था? 35 साल पीछे उसको लगा रहे थे सब बुजुर्ग लोग। हाँ, अभी इस समय पहली बार मिला। तो उसके बाद क्यों बंद हो गया था लगाना? बंद हो गया था नहीं, उसकी अपना बाढ़ ओढ़ के उससे बहुत प्रभावित हो रहा था, पैदा नहीं हो रहा था। हाँ। इसके लिए उसको बंद कर दिए थे। नया नया सब बीज आया, लगा रहे थे अभी बहुत पीछे, 30-35 साल के बाद ये बीज यहाँ उपलब्ध हुआ। अच्छा, तो उसको लगाएंगे आप लोग खेत में? इसको हम लोग लगाएंगे खेत में, देखेंगे इसकी मतलब उत्पत्ति कैसी है, कितना हो रहा है, इससे फायदा क्या है। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर लगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। यहाँ पे नहीं बताया गया क्या फायदा होगा? यहाँ बता रहे हैं, लेकिन अब लगाएंगे अपने खेत में तब हमको भी मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ बताया है कि इसकी उत्पत्ति अच्छी है, इससे बीमारी नहीं है इसको खाने से, और उसको ले चल के इसको लगाएंगे तब जानकारी करेंगे। ये मोटे अनाज में आता है सब? हाँ, ये सब मोटा अनाज में आता है। क्या क्या? हाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मुरला से। क्या नाम है आपका? गंगाराम। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, क्या हो रहा था? गंगाराम सुबह खेती बाड़ी हो का। यहाँ पे किस लिए आपको बुलाया गया था? खेती किसानी, यह जो देखेंगे आप कैसे खेती करत है, कैसे जोता बोवा जाता है, काव कही जात है, क्या क्या बताया गया? अरे नरुआ बो, कांगुर बो, बजरा बो, और का हो, सावा वो दो। तो बीज मिला आपको? हाँ, मिला है। उसको बोएंगे आप? हाँ, आज हम देखेंगे उसको। अभी तक ये नहीं बोया जा रहा था? नहीं, बहुत 35 साल पीछे बोए थे। क्या कार्यक्रम था और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, आज हम लोग बर्डपुर में हम लोग की विकास खंड स्तरीय गोष्ठी थी, खरीफ उत्पादकता गोष्ठी। यह कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश भर में संचालित किया जाता है। सर्वप्रथम इसको राज्य स्तर पर किया जाता है, फिर मंडल स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, और अगली जो कड़ी है ब्लॉक स्तर पर। उसी क्रम में आज बर्डपुर ब्लॉक में ये गोष्ठी का आयोजन था, जिसमें मुझे विभाग के द्वारा नामित किया गया था और मैंने प्रतिभाग किया। तो इससे किसानों को क्या फायदा, कैसे क्या? जी देखिए, कार्यक्रम की जो विषय थी वह था खरीफ उत्पादकता गोष्ठी। इसका मतलब यह है कि किसान को किस प्रकार से हम कौन सी नवीनतम तकनीकी की जानकारी दें, किस प्रकार से हम उन्हें बताएं कि किस समय पे आपको उचित कृषि निवेश का उपयोग करें, वो कि उनकी उत्पादकता वृद्धि हो। उत्पादकता वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से किसान की आय वृद्धि होती है, और इसी को लेकर के आज की जो गोष्ठी था यह उसका मुख्य एजेंडा था। बीज भी वितरण हुआ है, तो क्या था वो? मिनी किट्स की बीज वितरण हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष को, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि विभाग के द्वारा पूरे जनपद में श्री अन्न के बीज वितरित किए जा रहे हैं। सावा, कोदो, बाजरा, ज्वार, इस तरह के मिनी किट्स आए हुए हैं जो किसानों को उनको दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि श्री अन्न के बढ़ावे हेतु उसको बुआई करें। कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है, जिससे ब्लॉक लेवल पे ये किसानों को खरीफ के बारे में पूरी जानकारी, वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए उस तरीके से बता करके, कि जिससे किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए, और उस त्रुटि को पूरा करके किसान अधिक से अधिक पैदावार लें, और अधिक से अधिक पैदावार जब लेंगे तो उनकी अधिक से अधिक आमदनी हो जाएगी। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का, देश के मुख्यमंत्री का, या सरकार का, ये सबकी मंशा है, या कृषि वैज्ञानिक का, या जो अधिकारी कर्मचारी हैं कृषि विभाग से रिलेटेड, उनका, सभी लोगों का यही मंशा है। इसी के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। बीज में क्या वितरण किया गया? बीज में सावा, कोदो, मड़ुआ, जिसका जो है, जो पहले पुराने ये प्रजातियाँ हैं जिसको जो किसान लोग प्रयोग करते थे, आज उसकी आवश्यकता पड़ गई है, और जिसके वजह से इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बीज वितरित किया गया है। इस बीज को उत्पादित करके स्वयं प्रयोग करें, बीज में प्रयोग करें, और स्वयं अपना स्वास्थ्य बनाएं, इसके लिए उपयोग में वितरित किया गया है बीज। तो यहाँ कुल यहाँ का किसान बहुत ही जागरूक है। जितने भी किसान मिले हम लोगों से वार्ता, इस कार्यक्रम में जो वार्ता हुई वो जानकार हैं, खेती किसानी करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। और मैं इन लोगों से यही चाहता हूँ
कि जिस प्रकार से ये लोग अपना खेती का काम कर रहे हैं उस तरीके से करते रहें। अगर हम लोगों के लायक किसी प्रकार की कोई समस्या इनके सामने आ रही है उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। खेती ज़्यादा करते हैं, धान में कौन सा लगाते हैं? धान में सबसे ज़्यादा तो काला नमक होता है हमारे बर्डपुर में। तो यहाँ पे जो वितरण हुआ है उससे किसानों को और क्या बेनिफिट होगा? नहीं, ये बेनिफिट इसलिए वितरण किया गया है कि स्वास्थ्य के प्रति जो मोटा अनाज है बहुत बढ़िया है, इससे जो है रोग रोधक क्षमता इसमें बहुत अच्छी है, इसलिए इसको प्रोत्साहन के रूप में किसानों में वितरित किया गया है, जिससे वो करके सीखेंगे तो धीरे धीरे काला नमक की तरह इसको भी करने लगेंगे और यहाँ के किसानों का स्वास्थ्य मजबूत रहेगा।